एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों चौथे चरण के लिए भी मतदान समाप्त हो चुका है और एक एक सीट के सटीक आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे कि कौन कहां से जीत सकता है इन 15 सीटों के लिए, क्योंकि ये 15 सीटें ही तय करेंगी राज्य में किसकी बनेगी सरकार। अगर राज्य में बात करें तो इन 15 सीटों पर जो मतदान हुआ है वो लगभग यहाँ पर 5 बजे तक 62% मतदान हुआ है और 2014 में यहाँ पर 64% मतदान हुआ है, तो 2% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इन 15 सीटों के लिए क्या ताजा आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, अगर बात की तो अब तक 65 सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। पहले चरण के लिए 30 नवम्बर को यहाँ पर 13 सीट के लिए और यहाँ पर 7 दिसंबर के लिए 20 सीटों पर और 12 दिसंबर को 17 और चौथे चरण के लिए 16 दिसंबर को 15 सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। ऐसे में किसकी बनेगी सरकार, इसका फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है जनता ने। लेकिन इससे पहले जो ग्राउंड रिपोर्ट है कई बड़े एक्सपर्ट लोगों की सर्वे के आंकड़े पर, झारखंड में अब की बार किसकी सरकार और किसको इस बार मुख्यमंत्री पद मिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी हो या यहाँ पर एमएम अध्यक्ष अहमद सोरेन हो या राहुल गांधी हो, सभी ने अपनी बड़ी बड़ी यहाँ पर रैलियां की हैं, लेकिन जनता ने किसके पक्ष में फैसला दिया है इसके नतीजे तो 23 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चौथे चरण के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। कई बड़े एक्सपर्ट लोग, कई बड़े निश्चल की ओपिनियन और एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर आपको ये सर्वे दिखा रहे हैं कि कौन कहां से जीत सकता है। मधुपुर सीट के लिए अगर बात करें तो 2014 में सीट को बीजेपी ने जीता था और यहां पर राज पाली बार भाजपा ने सीट को जीता था। एक बार फिर से वही कैंडिडेट यहां पर भारी नजर आ रहे हैं और बीजेपी सीट को एक बार फिर से जीतती नजर आ रही है। देवगढ़ विधानसभा सीट के लिए बात करें तो 2014 में सीट को भी बीजेपी ने जीता था और आंकड़ों के हिसाब से और सर्वे के हिसाब से इस सीट पर भी बीजेपी जीतती नजर आ रही है। बागोदर विधानसभा सीट की अगर बात की तो इस सीट पर बीजेपी ने 2014 में कब्जा जमाया था और आंकड़ों के हिसाब से इस सीट पर भी बीजेपी एक बार फिर से जीत दर्ज कर सकती है। हालांकि यहां पर कांग्रेस जो गठबंधन है इस सीट पर, यहां पर कड़ी टक्कर बीजेपी को मिल सकती है। और वहीं अगर बात की तो विनोद कुमार बालवे जो भाकपा और यहाँ पर अन्य जो दल है वो भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है इस सीट पर भी। अगर बात की जामुआ के लिए तो जामुआ से केदार हजरा भाजपा ने सीट पर 2014 में जीत दर्ज की थी, लेकिन मंजू देवी कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। 2019 के लिए कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़ों के आधार पर यह सीट जो है बीजेपी से छिनकर यहां पर मंजू देवी कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है आंकड़ों के हिसाब से। और अगर आपको गांधी विधानसभा सीट के लिए आंकड़े दिखा दें तो गांधी विधानसभा सीट के लिए जो यहां पर जयप्रकाश वर्मा 2014 में भी जीते थे, एक बार फिर से वो बीजेपी की तरफ से ही चुनावी मैदान में है और आंकड़ों के हिसाब से इस सीट को भी बीजेपी एक बार फिर से जीत सकती है। हालांकि कड़ी टक्कर यहाँ पर जेएमएम देगी, लेकिन पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। अगर बात करें तो गिरिडीह के लिए तो यहाँ पर निर्भय कुमार साहवादी भाजपा और यहाँ सुदीप्य कुमार जामो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन यहाँ पर निर्भय कुमार को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ सकता है आंकड़ों के हिसाब से और यहाँ पर जेएमएम इस सीट को जीत दर्ज कर सकते हैं, ये आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। अगर बात करें डुमरी के लिए तो डुमरी से यहाँ पर जगन्नाथ महतो झामुमो प्रत्याशी 2014 में भी जीते थे और 2019 में भी वो आसानी से इस सीट को जीतते नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर विकारों की बात करें तो यहाँ पर रंची नारायण भाजपा और श्वेता सिंह कांग्रेस के बीच में ही कड़ी टक्कर है और एक बार फिर से बीजेपी इस सीट को जीतती नजर आ रही है। चंदन क्यारी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर अमर कुमार बावरी भाजपा में शामिल हो चुके हैं जो कि जेबीएम ने सीट को 2014 में जीता था और उन्होंने समर्थन बीजेपी को दिया था, इस कारण से बीजेपी ने उन्हीं को ही यहाँ पर कैंडिडेट बना दिया है और इस बार बीजेपी सीट को जीत सकती है, जेबीएम इस सीट को हार सकते हैं। हालांकि कड़ी टक्कर यहाँ पर मिल सकती है, यहाँ पर तीनों दलों में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। और अगर आपको सिंदरी विधानसभा सीट के आंकड़े दिखा दें तो सिंदरी विधानसभा सीट के लिए जो यहाँ पर आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं और यहाँ पर पूर्णचंद मंडल भाजपा यहाँ पर जो है वो पाला यहाँ पर बदल चुके हैं और वो जेएमएम के टिकट से चुनावी मैदान में है और इस सीट को आराम से जो है जेएमएम सीट जीतती नजर आ रही है। इंद्रजीत महतो भाजपा यहां से हार सकते हैं आंकड़ों के हिसाब से। और यहां पर अगर बात करें अन्य सीट के लिए तो यहां पर नरसा विधानसभा सीट के लिए बात करें तो यहां पर अनूप चटर्जी मारस ने इस सीट को जीता था 2014 के अंदर और इस सीट पर एक बार फिर से वो ही यहां पर कब्जा जमा सकते हैं। हालांकि बीजेपी और जेएमएम उनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन पलड़ा यहाँ पर नरसा विधानसभा सीट से यहाँ पर मारस का
यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात की तो यहाँ पर राज सिन्हा भाजपा के बीच और यहाँ पर मुन्ना मलिक कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर राज सिन्हा भाजपा इस सीट को जीतते नजर आ रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से, जो यहाँ पर आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। अगली बात करें तो यहाँ पर झरिया विधानसभा सीट से यहाँ पर जेठानी और बहू यहाँ पर चुनावी मैदान में है और आमने सामने है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। रागिनी सिंह यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी सीट को जीत सकते हैं। हालांकि नीरज सिंह की हत्या के बाद यहाँ पर पूर्णिमा को यहाँ पर उनका जो राजनीति है उसको सौंप दी है, लेकिन यहाँ पर भाजपा ही सीट को जीतती नजर आ रही है आंकड़ों के हिसाब से। और यहाँ पर अगर बात करें चुंडी विधानसभा सीट के लिए तो यहाँ पर राजकोशोर महतो आरसू पार्टी और यहाँ पर मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम और यहाँ पर विक्रम पांडे और डॉक्टर सबा अहमद झामुआ प्रत्याशी के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन आरसू पार्टी ने इस सीट को जीता था 2014 के अंदर, लेकिन इस बार यहाँ पर जेएमएम इस सीट को जीत सकती है आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी का महागठबंधन है, लेकिन आरसू की अगर जो वोटर्स हैं वो बीजेपी में बढ़ जाते हैं तो जेएमएम को यहाँ पर फायदा होगा और जेएमएम इसको जीत सकती है आंकड़ों के हिसाब से। अगली बात करें तो यहाँ पर बागमारा के लिए तो बागमारा विधानसभा सीट के लिए यहाँ पर दुल्लू महतो भाजपा प्रत्याशी है और जालेश्वर महतो कांग्रेस प्रत्याशी है, लेकिन जालेश्वर महतो का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है और यहाँ पर कह सकते हैं कांग्रेस इस सीट को जीत सकती है। जी दोस्तों, हमने झारखंड के लिए आपको कई बड़े एक्सपर्ट लोग और कई बड़े यहाँ पर न्यूज चैनल का ओपिनियन पोल दिखाया। अब हम बात कर लेते हैं कि 15 सीटों के लिए क्या आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। 2014 की भी आंकड़े आपको पहले दिखा दें तो बीजेपी ने अपने दम पर 11 सीट हासिल की थी, लेकिन जेवीएम की एक सीट जो चंदन क्यारी थी वो बीजेपी को समर्थन मिला था, ऐसे बीजेपी का आंकड़ा 12 हो गया था, लेकिन अपने दम पर 11 सीट हासिल की थी। एक सीट यहाँ पर जेएमएम ने और कांग्रेस का यहाँ पर खाता नहीं खुला था, और जेवीएम को एक सीट, यहाँ पर आरसू पार्टी को एक सीट और अन्य के खाते में एक सीट 2014 के आंकड़ों के हिसाब से गए, लेकिन 2019 के लिए इन 15 सीटों के लिए क्या आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें ये फाइनल आंकड़े बिल्कुल नहीं है। फाइनल आंकड़े आपको 23 दिसंबर को देखने को मिलेंगे, लेकिन कई बड़े एक्सपर्ट लोग और कई बड़े यहाँ पर न्यूज चैनल के ओपिनियन के आधार पर आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं। कांग्रेस महागठबंधन को 6 सीट जा सकती है और एक सीट के मुकाबले इनको 5 सीट का फायदा होता नजर आ रहा है, और बीजेपी को यहाँ पर 8 सीट जा सकती है, नुकसान एक यहाँ पर जेवीएम को और यहाँ पर आरसू पार्टी को एक सीट का नुकसान हो रहा है, और जिसका फायदा यहाँ पर महागठबंधन को होता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर और यहाँ पर आरसू पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में है। हालांकि यहाँ पर जो मारस है और अन्य दल है उनको एक सीट पहले भी थी, एक सीट इस बार भी जा सकती है। इस एग्जिट पोल के आधार पर अब तक 65 सीट की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है इन 15 सीटों के लिए किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राय भी काफी महत्वपूर्ण है, आपकी राय भी देखी जाती है कि आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है इन 15 सीटों के लिए, तो अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। एक और नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।